सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और साथ में दबाइए उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मिलती रहे हमारी सभी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोपा मंथली टेस्ट ऑनलाइन जो हुआ है दोस्तों फरवरी 2020 में, उसमें आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों के आंसर क्या क्या थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दिया है, जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग, जो हम जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसकी मदद से, उसका इस्तेमाल हम दोस्तों फंक्शन या मेथड की मदद से जो हम उसको कॉल कर सकते हैं, उसको फिर से रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर्ड एज एन एरर इन जावास्क्रिप्ट, इनमें से किससे जो है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर एरर नहीं आएगा। तो अगर दोस्तों हम किसी वैल्यू को, किसी वेरिएबल को जीरो से अगर डिवाइड कर देते हैं, भाग करते हैं, तो उसमें जो है किसी प्रकार का एरर नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही होगा। तीसरा है, द स्टेटमेंट ए ट्रिपल इक्वल बी रेफर टू, जब हम लिखते हैं दोस्तों ए इक्वल 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 बी, तो इसका मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ए और बी, ये दोनों जो है परमानेंटली, मतलब ये दोनों जो है सेम जरूर होने चाहिए, ये जो है फिक्स होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कि बोथ ए एंड बी आर इक्वल इन वैल्यू एंड टाइप, इन दोनों वेरिएबल्स का जो टाइप है, ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं ये दोनों समान होंगी। ठीक है, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। चौथा प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, एक कोड लिखा है इंटीजर, एक वेरिएबल के अंदर एक है, इफ अगर एक जीरो के बराबर नहीं हुआ तो रिटर्न होगा क्या एक, तो एल्स नहीं तो जीरो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक है, तो इसने कहा है कि ए अगर जीरो के बराबर नहीं हुआ तो आउटपुट एक होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा डी सही होगा, आउटपुट एक ही होगा, हमारा वेरिएबल जो है एक वो जीरो के बराबर नहीं है। यहाँ पे नल का मतलब जीरो होता है दोस्तों जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिस्प्ले कोपा इन अलर्ट बॉक्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप कोपा नाम का एक अलर्ट बॉक्स किस तरह से आउटपुट करेंगे, तो दोस्तों हम अलर्ट कोपा लिखकर जो है एक जावास्क्रिप्ट कोड आउटपुट कर सकते हैं मैसेज के बॉक्स में पॉपअप के रूप में, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। छठा प्रश्न है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है, यहाँ पे जो कोड लिखा है दोस्तों स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ए इक्वल टू ए वेरिएबल के अंदर हमारा 8 गया और फिर 8 जो है दोबारा हमने 8 लिखा, वो एक स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट के अंदर उसको लिखा गया है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए लिखते हैं तो वहां पर हमारा जो आउटपुट होगा दोस्तों वो होगा ए की वैल्यू 8 और उसके साथ स्ट्रिंग 8 8, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। सातवां प्रश्न है, वॉट इज द एच टी एम एल टैग अंडर विच वन कैन बी रिटन जावास्क्रिप्ट कोड, वो एच टी एम एल का कोड कौन सा है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट कोड लिखे जाते हैं। दोस्तों वो स्क्रिप्ट टैग होता है, स्क्रिप्ट के अंदर आपकी पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट कोड लिखे जाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा सातवें प्रश्न का। आठवां प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट इज डिजाइंड फॉर फॉलोइंग पर्पज, जावास्क्रिप्ट क्यों बनाई गई है दोस्तों, जावास्क्रिप्ट टू ऐड इंटर इन इंटरएक्टिविटी टू एचटीएमएल, एचटीएमएल का जो पेज होता है उसके अंदर एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी ऐड करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा आठवें प्रश्न का। नौवां प्रश्न दिया है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज टर्नरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर टर्नरी ऑपरेटर कौन सा है दोस्तों, वो आपका क्वेश्चन मार्क जो है टर्नरी ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। दसवां प्रश्न है, व्हाट डज जावास्क्रिप्ट कोड यूज इंस्टेड ऑफ इक्वल इक्वल एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल, तो इक्वल इक्वल का मतलब दोस्तों कि ये दोनों एक समान है और एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल का मतलब होता है कि ये दोनों जो है समान नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन Used equal and not equal instead, यानी कि ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा दसवें प्रश्न का। ग्यारहवां प्रश्न दिया है, which is used for comment in JavaScript, JavaScript के अंदर कमेंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, हम JavaScript के अंदर कमेंट के लिए डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड जो स्लैश होते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश उसका इस्तेमाल करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। बारहवां प्रश्न दिया है, which of them इज नॉट द लूपिंग स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के अंदर इनमें से कौन सा जो है एक लूपिंग स्ट्रक्चर नहीं है। दोस्तों डू वाइल होता है, फोर होता है और वाइल, तीनों लूप के लिए इस्तेमाल होते हैं लेकिन फोर विच नाम का कोई लूप नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। चौदवा प्रश्न दिया है, इन जावास्क्रिप्ट एरे आर डेटा टाइप्स, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होते हैं वो किस प्रकार के डेटा प्रकार होते हैं। तो दोस्तों एरे जो होते हैं वो वेरिएबल का काम करते हैं ना कि डेटा के,
ठीक है, तो एरे जो किसी प्रकार के डेटा टाइप नहीं होते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है, फॉल्स है। 15वां प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटन, जावास्क्रिप्ट को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली JS फाइल के अंदर और इंक्लूड HTML फाइल के अंदर। हम .js लिख करके और .html लिख करके दोनों तरह की फाइल में हम जो है जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा 15वें प्रश्न का। 16वां प्रश्न है, विच HTML टैग प्रोड्यूस द बिगेस्ट हेडिंग, तो सबसे बड़ी हेडिंग जो है किस HTML टैग से जो है प्रोड्यूस हो सकती है, बनाई जा सकती है, तो वो दोस्तों H1 टैग है जिससे हम सबसे बड़ी हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 17वां प्रश्न दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन एलिमेंट इन CSS, CSS के अंदर आप बैकग्राउंड इमेज किस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा दोस्तों। उसके लिए हम जो है स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल के बाद जो है हम बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं और उसके बाद जो है इमेज का लिंक देते हैं, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही हुआ 17वें प्रश्न का, बैकग्राउंड इमेज लिख कर हम जो है बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं CSS के अंदर, ठीक है। 18वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एंकर एलिमेंट सिग्निफाई अनविजिटेड हाइपरलिंक, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो एंकर एलिमेंट की है और वो बताती है कि एक अनविजिटेड हाइपरलिंक मतलब उस लिंक पर पहुंचा नहीं गया, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो एक लिंक होता है जिस पर क्लिक करने के बाद हम वहां पर पहुंचते हैं, और अनविजिटेड का मतलब है कि वो लिंक हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा 18वें प्रश्न का। 19वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू कैपिटलाइज्ड टेक्स्ट और कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस और लोअर केस लेटर इन CSS, CSS के अंदर हम टेक्स्ट को अपर केस और लोअर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो वो दोस्तों उसके लिए हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम के जो है टैग का इस्तेमाल एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही होगा 20वें प्रश्न का, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। 20वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ एवरी होम पेज ऑन www,